क्या करना है? सबसे पहले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड वर्क करना है, नए नए लोगों को मिलना। 7 गोल्डन रूल का पहला नियम, दिन में 2-4 लोगों को मिलने का। फील्ड वर्क की आदत डालो, होम मीटिंग की आदत डालो, ग्रुप मीटिंग की आदत डालो, फील्ड में भागो। दूसरी क्या एक्टिविटीज करना है, क्लोजिंग करना सीखो, सेल्स को क्लोज करना सीखो। लोग ऑब्जेक्शन डालेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, मुझे क्या करना है, सवालों के जवाब देने आने चाहिए, जवाब देना सीखो। सेल्स द क्लोज कैसे होगा, आज हमारे पास प्रोडक्ट है सेल्स करने के लिए, बहुत बेहतरीन। आप प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो वो सीखो, कैसे बेचेंगे, बेस्ट इम्यूनिटी हेल्थ के प्रोडक्ट ये बता के। दूसरा कैसे बेचेंगे, घर के लगने वाली चीज़ें, आपके एक्सपेंसेस को बिजनेस कैपिटल बना देता है, इनकम बना देता है। बड़ा फॉर्मूला, मैं पहली बार यही सुन के बिजनेस में आया था, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को देखा था और जो व्यक्ति वहाँ पे आए थे वो एक NRI व्यक्ति थे, उन्होंने यही बताया, आप जो खर्च करते हो वही आपको इनकम देगा। आप ऐसी इस बिजनेस में जहाँ पे लोग चाय पियेंगे आपको पैसा आएगा, लोग ब्रश करेंगे आपको पैसा आएगा, लोग नहाएंगे आपको पैसा आएगा। मैं बड़ा खुश हुआ, यार ये खर्च करके भी पैसा आता है क्या, पहली बार मुझे समझ में आया ऐसा भी कोई बिजनेस है दुनिया में। और ये मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, आपको ये बताने आना चाहिए। सेल्स क्लोजिंग का बहुत बेहतरीन फंडा है ये बताने आना चाहिए। ये दो काम करने लगे तो आपकी टीम बनने लगती है, जैसे सेल्स क्लोजिंग करते आपकी टीम बननी चालू हो जाएगी। टीम दो तरह की बनेगी, याद कीजिए, पहली टीम बनेगी आपकी, एक रिक्रूटमेंट होता है जहाँ पे लोग बिजनेस के लिए जुड़े हुए, पैसे कमाने के, लोग प्रोडक्ट भी खरीद रहा है, प्रोडक्ट खरीद के क्या करना चाहता है, बिजनेस, उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। 7 गोल्डन रूल का रूल नंबर 5 बता रहा हूँ आपको मैं, रिक्रूटमेंट। और दूसरे कुछ लोग आएंगे केवल प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो आपके बिजनेस में उनको दिलचस्पी नहीं है लेकिन उसको प्रोडक्ट में दिलचस्पी है, अच्छे प्रोडक्ट है, दे दे। तो दो टीम बनी, कौन सी टीम बनी, कस्टमर की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर की, डायरेक्ट सेलर जिसे हम बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ने हमें नाम दिया यो डायरेक्ट सेलर, पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी पता था। तो हम दो टीम बनाएंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर की और एक कस्टमर की। ये काम आना चाहिए आपको, आपको बेचने आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए, बेचने आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए। कई लोग एक ही काम करते, या तो प्रोडक्ट बेचेंगे या तो जोड़ेंगे। मैं बोलता दोनों का, दोनों सीखो, बेचना सीखो, जोड़ना सीखो, बेचो जोड़ो, बेचो जोड़ो, बेचो जोड़ो। ये फॉर्मूला जो सीख गए उनकी सबसे बेहतरीन टीम बनती है, बहुत बेहतरीन टीम बनेगी। कई लोग केवल माल खरीदे, कुछ दिनों के बाद वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, पहले नहीं बने, पहले केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, चलेगा। आपको दोनों का मास्टर बनना है, रिक्रूटमेंट एंड रिटेल। अब ये दो काम करने के बाद और दूसरे काम, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को, दोनों को हर महीने खरीदने की आदत डालो। वो खरीदेंगे नहीं, आपको पूछना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, सर इस महीने के प्रोडक्ट क्या क्या खरीदे आप, ये पूछना पड़ेगा आपको। उनको आदत डालो हर महीने रिपर्चेस, और उसके बाद उनको टीम में टिकाओ, अपने साथ जोड़े रखो, रिटेंशन बोलते उसको। अब ये रिटेंशन कैसे होगा, कैसे मैं अपनी टीम को जोड़ के रखूँ, कैसे अपने टीम के साथ में बड़ा काम कर लूँ, टीम बिल्डिंग में लोग कैसे जुड़े रहेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपको फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप एक बेहतरीन टीम बना लेंगे। और ये लिख लो, नेटवर्क मार्केटिंग में, माई लाइफ स्टाइल में बड़ा पैसा कमाने के लिए टीम बनाना बहुत ही जरूरी है। और टीम कैसे बनती है, आज हमारी टीम में कई लोग हैं, हम पिछले 15 सालों से साथ में हैं, 15 साल हुए किसी को, 12 साल हुए किसी को, 7 साल हुए, 8 साल, अमित जी हम आप कब से हैं, 8 साल से हम लोग साथ में हैं। ये सालों का रिश्ता टीम बनाता है। कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सालों का रिश्ता बनाने के लिए, सबसे पहले मजबूत रिलेशन बिल्ड करो अपने टीम में, अपने लोगों के साथ। ये कैसे बिल्ड होता है, जब हम उसकी विजन की बात करेंगे, उसकी सपनों की बात करेंगे और उससे वो चीज दिलाने के लिए मदद करेंगे। देखो आज आपके यहाँ अमित जी झांसी से आते हैं यहाँ पे, क्यों आते ये लीडर इतने दूर से, हमें मिश्रा जी आते यहाँ पे मथुरा से, क्यों आते ये लीडर आज, आपके नितिन जी आपके बिजनौर जाते हैं, धर्मपुरी जो भी जगह आपका वहां जाते, क्यों जाते हैं ये, जिनको लाए हैं उनको कामयाब बनाना है। आज मुकेश जी जाते हैं अलीगढ़ छोड़ के, डॉक्टर सिसोदिया जी जाते हैं अलग अलग, क्यों जाते हैं ये लोग, क्यों जाते हैं, जिनको लाए हैं उनको कामयाब बनाना है। जब आप उनके साथ ये रिलेशन मेंटेन करोगे, भाई तू आया है केवल आ मत, हम दोनों मिलके
काम करेंगे, तुझे कामयाब बनाना है तो आपका रिलेशन बनता है। अच्छी रिलेशन बनाइए टीम में।